हिमाचल प्रदेश का विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के समीप प्राचीन कपाली कुंड सरोवर जहां पर श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा का केंद्र है, वहीं पर मंदिर न्यास इस प्राचीन सरोवर के जीर्णोद्धार पर 24 लाख रुपए खर्च कर चुका है। अभी कार्य प्रगति पर है, लेकिन स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की मांग है कि इस प्राचीन कपाली कुंड को माता जी चामुंडा मंदिर की तरह इसका जीर्णोद्धार किया जाए। उसी प्रकार इस प्राचीन तालाब के समीप म्यूजिकल फाउंटेन के अलावा माता दुर्गा की मूर्तियां लगाई जाएं, ताकि श्रद्धालु इसके आसपास प्राकृतिक सौंदर्य का भी लुत्फ उठा सकें। हालांकि ये प्राचीन कपाली कुंड सरोवर हमारी प्राचीन संस्कृति का धरोहर है। कहते हैं कि महिषासुर मर्दिनी माता श्री नैना देवी जब महिषासुर का वध किया था तो उसके सिर को काट कर कपाल ब्रह्मा को देकर उसके पानी कुंड की स्थापना करवाई थी। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से श्रद्धालुओं के दुख रोग कष्ट जादू टोने से मुक्ति मिल जाती है। आज भी काफी संख्या में श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते मंदिर बंद होने के कारण यहां पर श्रद्धालु नहीं है। हम आज माता जी का प्राचीन ऐतिहासिक स्थान कपाली कुंड प्राचीन सरोवर के नाम से विख्यात है, यहां पर खड़े हैं। यह एक पौराणिक ऐतिहासिक सरोवर है जिसको कपाली कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भगवती माँ आद्याशक्ति ने इसी स्थान पर महिषासुर का जब वध किया था तो उसके कपाल को यहाँ दबाया था, और महिषासुर की इच्छा के अनुसार ही महिषासुर ने कहा था कि भगवती माँ जो भी आपको चढ़े या प्रसाद वगैरह चढ़े उसका मुझे भी हिस्सा लेना चाहिए। और उसका दूसरा वरदान था कि यहीं पर जो है मुझे मुक्ति देकर मोक्ष को प्रदान करो, और इसी कारण उसका कपाल यहाँ पर दबाया गया। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं माता नैना देवी के स्थान पर आते हैं तो कहा जाता है कि इस कपाली कुंड पर स्नान करने से जो है अनेक लोगों का पुण्य प्राप्त होता है। भगवती माँ नैना देवी की यात्रा तभी मानी जाती है जब भी यहाँ जो है कपाली कुंड में स्नान करके अपने आप को कृतार्थ करें। यह एक प्राचीन सरोवर पहले भी ऐसे ही था, अब इसका पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो कि मंदिर न्यास के और अन्य श्रद्धालुओं के सहयोग से इसका पुनः